दोस्तों आज की कहानी है सासू माँ मेरे अधिकार का है। चलो दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। अरे बेटे माँ बाप की लाडो उनका संसार होती है। हर माँ बाप अपनी बेटी को राजकुमारी की तरह पालते हैं, लेकिन ये विडंबना है कि पाल पोसकर उसे दूसरों के हाथ सौंपना पड़ता है। यूं कहने को बेटी दो घरों की रौनक होती है, लेकिन ये सच किसी से छुपा नहीं है कि हर बेटी के नसीब में ससुराल का प्यार और सम्मान पाना नहीं लिखा होता है। जब कोई भी लड़की अपने शादी के ख्वाब बुनती है तो ये कभी नहीं सोचती कि वह जाते ही घर में कलश मचाएगी, या हर छोटे बड़े का अपमान करेगी, या अपनी ही बात मनवाएगी और किसी की कभी सुनेगी ही नहीं। वो तो अंदर से कहीं डरी हुई होती है, सोचती है कि ससुराल में जाकर अपनी जगह कैसे बनाऊंगी। सबके दिलों में माता पिता भी सिखाते हैं कि बेटा सबको मान देना, अपना बना के रखना, तभी तुझे प्यार मिलेगा। ससुराल में स्थिति अलग होती है, पता नहीं क्यों, लेकिन हर सास को लगता है कि बहू आकर उनसे उनका बेटा सीन लेगी। साथ ही अपनी बसाए हुए घर में जो उनका राजपाट है वह भी सीन लेगी, और यही से शुरू हो जाती है सास बहू के रिश्ते की आपसी खिसातानी। और इस खिसातानी के चलते ना सास कभी माँ बन पाती है और ना बहू बेटी। अक्सर देखा जाता है कि घर की बेटी और बहू में बड़े लोग बहुत अंतर करते हैं। भले ही बहू उम्र में उनकी बेटी से छोटी हो, फिर भी उस सब से यही उम्मीद की जाती है कि वह बड़ों की तरह व्यवहार करे। घर की सभी जिम्मेदारियों से बेटी को दूर रखकर बहू के कंधे पर जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया जाता है। वह भी केवल कर्तव्य, कोई भी अधिकार नहीं दिया जाता। ऐसा क्यों होता है सोचिए। नई बहू को जब तक आप प्यार देंगे नहीं, तब तक वह आपको अपना कैसे समझेगी। आप उनको यदि पहले ही दिन से अपना समझकर प्यार करेंगे तो भला उसके कौन से सेंग निकले हैं कि मारने दौड़ेगी। मेरी पड़ोसन कामिनी जी अपनी बहू को जी जान से प्यार करती हैं, लेकिन कभी घर से कहीं जाती हैं तो अलमारी में ताला झड़ाना नहीं भूलती। उनका मानना है कि इतना विश्वास नहीं कर सकती वे बहू पर कि सब कुछ उसके भरोसे छोड़ दे। अब आप ही बताइए ये कैसा प्यार है। ये जहाँ अपनी ही बहू पर संदेह हो, सरला जी अपने बेटे को ये सिखाती है कि इसे ज्यादा पैसे वैसे मत देना, फालतू खर्च करेगी और बिगड़ जाएगी। इसे क्या जरूरत है पैसों की, सब कुछ तो हम करते हैं इसके लिए। अब बताइए ये क्या प्यार है। हाँ वे तो कम से कम यह समझती है कि वे अपनी बहू पर जान निसावर करती है, बाजार लेकर वो जो साहे उसे दिला देती है। हाँ ये ठीक है कि प्यार से रखती है, लेकिन ये दुख उसे कहीं तो सहलता ही होगा कि अधिकार के नाम पर उसे इतना भी हक नहीं है कि सब्जी सास से पूछे बिना बना ले। अपनी तरफ से तो प्यार है, लेकिन ये अधूरा प्यार है। वही सास अपनी बेटी के काम से लौट के आने पर खूब जताती है कि वह थक गई होगी, उसे साय नाश्ता और आराम चाहिए, लेकिन बहू से साती है कि वह आते ही काम में लग जाए। बेटी को शॉपिंग करनी हो तो उन्हें लगता है कि वह बाहर जाती है तो जूते कपड़े तो सही ही। वही बहू से कहती है शॉपिंग बहुत करती हो, कुछ बसा भी लिया करो। बेटी की सास ननंद कुछ बुरा करे तो उनको बेटी सीधी और उसके ससुराल वाले तेज लगते हैं, और खुद के घर में कुछ भी बुरा हो तो बहू के कारण हुआ है। घर की कोई बात करती हुई बहू आ जाए तो सब चुप हो जाते हैं। भाई अब वह भी तो परिवार का हिस्सा है, उसको अलग क्यों रख रहे हैं। अपनी बेटी साए रोज मायके आ जाए
पर बहू जाए तो रोज का आना जाना उन्हें पसंद नहीं आता। घर में कोई भी शादी ब्याह हो तो उसे सलाह देना या उसे खरीदारी में शामिल करना उन्हें ठीक नहीं लगता। उसे घर के काम काज तक सीमित रखा जाता है। अब जो बहू कुछ बोले वह बुरी है और जो सही वह अच्छी है, तो आजकल सहने वाली भी अधिक नहीं होती। यही कारण है कि घर टूट जाते हैं। इन सब के बीच में बिचारा बेटा क्या करे, वो तो माँ और पत्नी के बीच फंस जाता है। और घर में शांति रहे इसलिए अलग घर बसाने को विवश हो जाता है, या फिर पति पत्नी का रिश्ता खराब हो जाता है। क्या आप सहेगी कि आपकी वजह से आपके बेटे की गृहस्थी उड़जड़ जाए? सोचिए यदि थोड़ी समझदारी दिखाए और बहू को सच्चे दिल से अपनाए, अपनी बेटी की तरह प्यार करे, तो बहू क्यों आपकी बेटी नहीं बनेगी? जरूर बनेगी, इस कोशिश तो आपको ही करनी होगी। वह तो कर ही रही है, नहीं बहू को जैसा मोल मिलेगा वह वैसा ही करना सीखेगी। फिर उसे दोष मत दीजिए। दोस्तों हमारे समाज में ऐसे घटिया सोच वाले या बहुत लोग बैठे हैं जो अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हैं लेकिन बहू को सिर्फ नौकरानी समझते हैं। बहू का काम प्यारा लगता है, बहू प्यारी नहीं लगती है। बहू को काम दिया जाता है पर बहू को अधिकार दिए नहीं जाते हैं। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूंगी, अगर हमारी बेटी हमारी बेटी है तो बहू भी किसी की बेटी है। अगर हम अपनी बहू के साथ गलत करेंगे तो हमारी बेटी भी किसी पराए घर जाएगी। यहाँ पराए घर में रह रही है उसके बारे में भी तो सोचिएगा, जैसे हमारी सोच होगी उनकी भी तो ऐसी ही होगी। हम दूसरों से अच्छी सोच के लिए क्यों अच्छी उम्मीद करते हैं? इसलिए दोस्तों मैं आपको इस कहानी से यह सूचना देना चाहती हूँ कि अपनी बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं करना सही। अपनी बहुओं को बेटी जैसा प्यार करे, जैसी हमारी बेटी अपने घर में रहती है आजाद फिरती घूमती है वैसा ही अधिकार अपनी बहुओं को दे। वो अपने जी से जो करना चाहती है उसे करने दे और आजाद पंछी की तरह अपने मन से सब कुछ करने दे। गुलामी की बेड़ियां नहीं पहनानी सही। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि अपनी बहुओं को दिल से प्यार करे, मान दे, सम्मान दे और उनके अपने जो अधिकार होते हैं वो अधिकार दे। दोस्तों आज की कहानी यहाँ पर ही समाप्त होती है। दोस्तों कैसी लगी मेरी कहानी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।